Hello everybody, Namaskar, this is Dr. Rahul Manchanda and today we are going to talk about another topic, another tip for all of you and about another important topic which is about egg freezing या अंडों का जो है उसको रखना प्रिजर्व करना। ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब हम अपने बेबीज़ को अपने लाइफ के हिसाब से प्लान करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग आजकल करते हैं। वो चाहते हैं कि बेबीज़ जो हैं अपने 20s और 30s में ना करके जब उनके करियर्स हैं बाद में थोड़ा सा डिले करते हैं, तो इसीलिए 40s में अगर कंसीव करना हो या लेटर 30s में, तो सो दैट दे गेट गुड एग्स विच आर बेटर एग्स दैट दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ देयर करियर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स, वो उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। ऑफ कोर्स और भी लोग हैं, जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया हो तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं जिस वजह से उनके एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बिफोर दैट वो एग्स अपने जो हैं प्रिजर्व कर लेते हैं, सो दैट वो बाद में जब उनको बेबीज़ करने हों तो वो हेल्दी एग्स उनके पास हैं, जिसमें वो असिस्टेड टेक्निक से अपना खुद का जो है एग से बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें हम लोग एग फ्रीजिंग करते हैं। एग फ्रीजिंग होता क्या है? एग फ्रीजिंग ये होता है कि जो लेडी है उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयों से जो अंडेदानी है, जो ओवरीज हैं, उसको असर होता है, सो दैट वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से भी करते हैं, मगर हम ओवर एंड अबव दैट जिसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलेट करते हैं, सो दैट ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करें। वो अंडे जब प्रोड्यूस करते हैं हम उसको फॉलो करते हैं अल्ट्रासाउंड से, और फिर एक सिचुएशन जब आती है जब अंडे काफ़ी होते हैं, ठीक समय पे होते हैं, तो हम अंडर एनेस्थीसिया एक सुई से वो जो है एग्स रिट्रीव करके उसको निकालते हैं, देखते हैं और फिर एक्चुअली फ्रीज करते हैं। तो वो एक कंटेनर में रखे जाते हैं and they are frozen by scientific techniques and they can be kept for many years many years, even longer than people's lifetimes. These can at a later date be thawed, यानी कि उनको फिर से रिवाइव किया जा सकता है और फिर रिवाइव करने के बाद उसको यूज़ किया जा सकता है प्रेगनेंट करने के लिए, बेबी करने के लिए असिस्टेड टेक्निक से। तो इसको हम लोग कहते हैं एग फ्रीजिंग, और काफ़ी लोग इससे अब अपने बेबीज़ को प्लान कर रहे हैं। काफ़ी हमारे स्टार्स हो चुके हैं जो एग फ्रीज़ करते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने बेबीज़ भी किए हैं उसके साथ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आजकल कोट एंड कोट वोग में है, तो इसके बारे में जानना अच्छी बात है, ये इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हो सकती है कि अगर स्टिमुलेशन हो जाए, मगर वो आप जब डॉक्टर से करेंगे तो वो आपको सब कुछ समझाएंगे और बाकायदा तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ही आगे चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आज के लिए उतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इस पर कॉमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई एम श्योर आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो इसको जानना पसंद करेंगे। अगले वीडियो तक और अगले टिप तक नमस्कार।